बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शर्ट शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए ये हमारी लुक इस तरह से आएगी। हमने पहले एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, आप बेजिस भी इस तरह से लगा सकती है। हमने गोटा लेस भी लगाई है। ये हमारी लुक है पूरी शर्ट की। हमने ऊपर नेक पे ये फ्रिल स्टाइल बनाया है और हमने ये बाजू पे भी ये स्टाइल दिया है इस तरह से। और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये एम्ब्रॉयडरी करवाई है दामन पे। दामन पे हमने 5 इंच की जगह छोड़ के हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है। अब हम सबसे पहले नेक बनाएंगे। हमने नेक बनाने के लिए बुकरम ली है, 4 इंच वेद में लिया है और लंबाई में हमने 9 इंच लिया है। अब हम नेक की मेज़र करेंगे। हम 3.5 पे शोल्डर से निशान लगाएंगे। और लंबाई में 7.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम 3 इंच लंबाई में एक और निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर से लेके हमारे 3 इंच लंबाई जो निशान है उस पे हम इस तरह से गोलाई का निशान देंगे। अब हम इधर से एक ट्रायंगल बना देंगे। अब हम कटिंग करेंगे। हम दूसरे कपड़े पे अटैच करेंगे। हमने दूसरे कपड़े पे अटैच कर दी है नेक। अब हम शर्ट पे लगाएंगे इस तरह से सेंटर करके। हमने सिलाई कर दी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके छोटे छोटे कट लगा के बैक की साइड टर्न कर देंगे। हमने नेक बना दी है। अब हम बैक साइड टर्न करके उसके ऊपर सिलाई करेंगे। हमने इस तरह से नेक बना दी है। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। कॉलर का टच दे रहे हैं शर्ट को इस तरह से, इसलिए हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। हम फ्रिल वाली कॉलर बना रहे हैं तो इस तरह से हमने ये स्ट्रिप ली है। हमने 3 इंच वेद में लिया है और लंबाई में जितनी हमें चाहिए उससे हमने 3 गुना ज्यादा ली है। इस तरह से अब हम बनाएंगे। हम स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर आयरन से सीधा करेंगे। हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर दिया है। अब हम इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो हम इस तरह से सेंटर में लेकर फिर हम आयरन से सेट करेंगे। हमने स्ट्रिप तैयार कर दी है। अब हमारी ये दोनों साइड ओपन है तो हम स्टिच करेंगे इन दोनों साइड को इस तरह से। हम कॉलर लगाने के लिए ये जो हमारी ओपन साइड है हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे इस तरह से। जितना हमारा कपड़ा अंदर मार्जिन में जाएगा उतना ही। हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह से हम रख के लगाएंगे। हम सेंटर में सिलाई करेंगे।
हमारी जिस तरह नेक की शेप पे, उसी तरह से हम फ्रिल को आहिस्ता आहिस्ता करके राउंड शेप देते जाएंगे। हमारी बैक साइड जो है वहाँ पे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ स्ट्रिप को निकालेंगे। हमारा जो सेंटर है वो हमारा जो सेंटर की सिलाई है वो हमारी इस तरह से आएगी। हमारी नेक तैयार है। अब हम साइड से दोनों वाइट पट्टियाँ लगाएंगे। तो इस तरह से हम पहले निशान लगाएंगे। हम शोल्डर से लेके हमारा चाक जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ तक हम पट्टी लगाएंगे। हम इस तरह से 5 इंच पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। अब हम लंबाई में निशान लेके हम निशान लगाएंगे। 4 साइड हमने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड लगानी है। अब हम पट्टी तैयार करेंगे। हमने 2 इंच वेद में स्टेप ली है और लंबाई में हमने 2.25 मीटर लिया है। बैक साइड और फ्रंट साइड की हमारी एक साइड की ये पट्टी बनेगी। इस तरह से बनाएंगे। हमने पट्टी बना ली है। अब हम पट्टी को सेंटर से निशान लगाएंगे इस तरह से। ये जो हमारा निशान है वो हम शोल्डर के ऊपर रखेंगे। हम शोल्डर पे रखेंगे हमारा जो निशान है पट्टी का सेंटर वाला। अब हम इस तरह से पहले मेज़र करेंगे तो हमारी एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है वो हमारी कितनी आती है। इस तरह से अब हम इधर भी निशान करेंगे। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। बाद में हम चाक की सिलाई करेंगे। हमने एक साइड पट्टी लगा दी है। अब हम दूसरी साइड पट्टी लगाएंगे। हमने इस तरह से दोनों साइड पे पट्टियाँ लगा दी है, फ्रंट साइड और बैक साइड। अब हमारी ये जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टियाँ है इसको बराबर में रख के कटिंग कर देंगे जितनी हमें चाहिए, और इसकी जो कॉर्नर है उस पर सिलाई कर देंगे। और दामन पर हम इसी तरह से 4 इंच का बॉर्डर लगाएंगे वाइट कलर का। हम दामन पर अब वाइट बॉर्डर लगाएंगे, बैक साइड लगाएंगे और फ्रंट साइड टर्न करेंगे।
हमने बॉर्डर लगा दिया है। अब हम उसके ऊपर ये गोटा लेस लगाएंगे इस तरह से। हमने एक गोटा पट्टी लगा दी है, अब हम इसके बराबर में ही दूसरी लगाएंगे इस तरह से। हम अब फिटिंग की सिलाई करेंगे और दामन की सिलाई करेंगे। जैसे हमारी नेक की डिजाइन है उसी तरह हमने स्लीव पे भी इस तरह की डिजाइन बनाई है। अब हम अटैच करेंगे। Tell me that you love me, even if it's fake.